नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ पैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सेल का डॉन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। तो एक्सेल का डॉन पेपर जो है, कैसे मैंने बनाया है, किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कैसा रहेगा, आप लोगों को काफी कुछ मिलने वाला है इसमें इंटरेस्टिंग। और वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। इस पेपर को करने के बाद आप लोगों को काफी हेल्प मिलने वाली है, मतलब आप लोगों का एक्सेल काफी अच्छा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को और सॉल्व करते हैं एक्सेल का डॉन। 2022 अक्टूबर का पेपर है ये। और अब मैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ पेपर्स लाकर देता रहूंगा, जिससे आप लोग की एक्सेल की जो टेक्निक है वो काफी अच्छी होती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहां पर मेरे पास है दो फाइल्स, आप देख सकते हैं, एक पीडीएफ फाइल है और एक एक्सेल फाइल है। और दोनों में मैं आपको जो सॉल्यूशन बताऊंगा, इसके अंदर काफी अलग अलग तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को पहले क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं। तो यहां पर मैं क्वेश्चन पेपर को ओपन कर देता हूं और आपको दिखाता हूं कि क्या है क्वेश्चन पेपर में आप लोग के लिए। चेक करिए, ये देखिए। तो आप देखिए, ये जो पेपर है मैंने बनाया हुआ है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, और आप लोग इसे करके देखिएगा। 30 मिनट में ये पेपर आप लोग करना है और बहुत ही सिंपल है। बस आप लोगों को ये पेपर इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से पेपर बहुत ही सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को करना। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास डेटाबेस शीट होगी मेरे पास, और उसके ऊपर मुझे ये चीजें कैलकुलेट करनी होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सेल को करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, यानी एक्सेल में कोई भी सॉल्यूशन निकालने के बहुत सारे अलग अलग वेज होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक शीट तो है, ये डेटाबेस शीट, एक रिजल्ट शीट है, आप लोग देख रहे हैं, एक सम ऑफ वैल्यू शीट है, वो भी ठीक है, एक टोटल शीट है, वो भी ठीक है, और एक प्रॉफिट शीट है, वो भी ठीक है। चलिए, काफी सारे क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर क्या है, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर कहा गया है कि डेटाबेस शीट ओपन करिए और प्रोफेशनल टेक्स को निकालिए, जो कि है बेस्ड एक टेबल पर जो कि आपको गिवन है। तो देखिए, डेटाबेस शीट पर आप लोग को ये टेबल गिवन है और इस टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग को यहां पर प्रोफेशनल टेक्स निकालना है। तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। इसके कई सारे वेज है। पहला तरीका तो ये है जो मैं अभी लगाने वाला हूं, वो है एक लंबा तरीका जिसे बोलते हैं इफ। तो चलिए एक बार इफ चेक करके देखते हैं इसको। इफ फंक्शन लगाने के बाद आप लोगों को यहां पर ग्रॉस सैलरी लेनी है। अब ग्रॉस सैलरी के बेसिस पर आप लोगों का क्वेश्चन बन रहा है, तो यहां पर ग्रॉस सैलरी को पिकअप करिए। और क्योंकि बोला गया है अप टू, तो अप टू का मतलब होता है लेस देन इक्वल्स टू, यानी लेस देन इक्वल्स टू 15,000 होगी तो आपको जो सैलरी में प्रोविजन टैक्स देना है, यानी प्रोफेशनल टैक्स देना है, वो 110 रुपए देना है। उसके बाद आप कॉमा प्रेस करिए, उसके बाद फिर से इफ लगाइए एंड देन एंड लगाइए, क्योंकि इस बार एक कंडीशन नहीं, दो कंडीशन है। और फिर से आप लोग ग्रॉस सैलरी सिलेक्ट करिए और इस बार आपको बताना है कि ग्रेटर देन 15,001, यानी ग्रेटर देन 15,001 अगर आपकी सैलरी हो, या दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी सैलरी ग्रेटर देन 15,001 से लेस देन 1,000 के बीच में हो। तो यहां पर अगर आप लोग की दो कंडीशन हो गई है तो आप लोग को एंड फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर इसके बीच में आप लोग की सैलरी है तो आप लोग को यहां पे देना है कॉमा लगाइए और आपको 130 रुपए देना है। इसी तरीके से फिर से आप कॉमा लगाएंगे और फिर से इफ एंड देन फिर से एंड लगाएंगे और फिर से आप कहेंगे जो F3 सेल है यहां पर अगर ग्रेटर देन हुआ या इक्वल्स टू हुआ आप लोग का 25,000 एक से, तो आप लोग उसके बाद एक और टेस्ट करेंगे और टेस्ट इस बार आप लोग करेंगे F3 सेल पर और बताएंगे लेस देन इक्वल्स टू 40,000 रुपीज। और अगर आपका ये टेस्ट सफल होता है तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं और कोई टेस्ट आपको करना नहीं है, कॉमा प्रेस करिए और आपको देना है 150 रुपए। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको लास्ट कंडीशन यानी इफ लगाना है, उसके बाद आपको बताना है कि अगर आपका जो सैलरी है ग्रॉस सैलरी वो ग्रेटर देन हुआ 40,000 तो आप यहां पर दे देंगे 200 और अदरवाइज आप लोग कुछ भी नहीं देंगे, यानी जीरो प्रेस कर देंगे। तो यहां पर इस केस में आपने जीरो लगा दिया। अब एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और आप देखें यहां पर आपका आंसर आ चुका है। ब्रैकेट ये ऑटोमेटिकली लगा देता है, अगर आप देखें तो मेरा आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से आ चुका है। लेकिन दोस्तों, इसको करने का ये तो हो गया एक लंबा मेथड, क्या कोई सिंपल मेथड भी है? जी हां, मेरे पास इसको करने का एक और सिंपल मेथड है। वैसे तो मैंने आपको ये मेथड बता दिया, लेकिन मैं आप लोगों को एक और मेथड से बताता हूं जिसके लिए आप लोग यहां पर तैयार हो जाइए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आप लोगों को ग्रॉस सैलरी जो आप लोगों का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहां पे काम कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, सिंपल सी बात है, आप लोग डेटा पर क्लिक करिए और कंट्रोल शिफ्ट एल करिए। और जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एल करते हैं तो आपका डेटा पर फिल्टर लग जाता है। इसके बाद आपको ग्रॉस सैलरी पर जाना है और ग्रॉस सैलरी पर नंबर फिल्टर पर जाना है, जहां पर आपको लेना है अपनी पहली कंडीशन जो कि आपकी अप टू 15,000 था, जिसका मतलब था लेस देन इक्वल्स टू 15,000। तो यहां पर आप लेस देन इक्वल्स टू 15,000 लिखिए और ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे जितनी भी वैल्यूज आप लोग की आ रही है वो 110 आ रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि 110 ही था 15,000 से कम पर। तो ये देखिए, 15,000 से कम पर आपने 110 यहां पर टाइप करिए और सिंपल सी बात है,
टाइप करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे देखिए मैं आप टाइप कर देता हूं, उसके बाद ये सारे सेल्स आपके ब्लैंक आ रहे होंगे, आपको सिर्फ टाइप करने के बाद ड्रैग करना है, ड्रैग कर दीजिए हो गया काम। फिर उसी तरह से आप लोग कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा करिए और फिर से कंट्रोल शिफ्ट एल करिए, और इसके बाद इस बार जो है ग्रॉस सैलरी का जो फिल्टर है 15,001 से लेकर 25,000 के बीच में, तो यहां पे जाइए नंबर फिल्टर पर और बिटवीन का ऑप्शन ले लीजिए, और बिटवीन का ऑप्शन लेते ही आप लोग को यहां पे लेना है 15,001 और यहां पर लेना है 25,000। जैसे ही आप ये लेंगे उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है, जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर आपका 130 आ रखा है, ठीक है ना। अगर आप यहां पर फिल्टर अगेन चेंज करेंगे तो आप लोग बिटवीन में क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं 25,001 से लेकर 25,001 से लेकर आप लोग का 40,000 तक यहां पर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो इस रेंज में जो आंसर आ रहे हैं वो 150 आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप लास्ट रेंज की बात करें तो लास्ट रेंज में आपकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 40,000 हो गई है, तो अगर आप ग्रेटर देन 40,000 देखेंगे तो आपकी सारी की सारी वैल्यू 200 आ रही है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आपको वैसे पसंद आ रहा है तो वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को नेट सैलरी निकालनी है। नेट सैलरी का सिंपल सा मतलब होता है ग्रॉस सैलरी में से प्रोविजनल टैक्स माइनस करना, जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन है। आपको बोला गया है नेट सैलरी कैलकुलेट करने को, तो चलिए एक बार नेट सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रॉस सैलरी में से प्रोफेशनल टैक्स माइनस कर दीजिए, आपका नेट सैलरी कैलकुलेट हो जाएगा, और अब आपको यहां पे ड्रैग कर देना है, ड्रैग करते ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि हाईलाइट करनी है पूरी की पूरी रो जिसमें आप लोग का सीनियर एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन निकले और साथ में उनकी सैलरी 20,000 से कम भी होनी चाहिए, तो दो कंडीशन यहां पर लगा दी। और दोस्तों दो कंडीशन जब आपकी लग जाती है तो उसके इसमें हमें एंड फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है, और क्योंकि यहां पर एंटायर रो इस्तेमाल करनी है, एंटायर रो को हाईलाइट करना है, तो आपको यहां पे फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए एक बार फॉर्मूला लगा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो यहां पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बगल वाले सेल की जरूरत है, और यहां पर आप लगाइए इज इक्वल टू एंड फंक्शन, और आपको यहां पे लेना है डेजिग्नेशन। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको रो हाईलाइट करनी होती है तो आपको यहां पर कॉलम को फ्रीज करना होता है, उसके बाद आप लेस देन, उसके बाद आप इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में आप सीनियर एग्जीक्यूटिव लिखिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सीनियर एग्जीक्यूटिव आपने लिख दिया है, उसके बाद कॉमा प्रेस करिए, और उसके बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है, यहां पर बताना है आपकी ग्रॉस सैलरी, यानी आपको ग्रॉस सैलरी बोली है। ग्रॉस सैलरी अगर लेस देन हो, इसको भी आपको फ्रीज करना है, वो भी कॉलम को, और लेस देन कितनी हो, 20,000। और जैसे ही आप ये करेंगे आप देखिए आप लोग का आंसर आ जाएगा, और जहां पे भी ट्रू आएगा ना, ये देखिए चेक करिए, मैंने ड्रैग कर दिया है, जहां पर भी ट्रू आएगा वहां पर ये हाईलाइट हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, सिंपली इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करना है, और ये लीजिए फॉर्मूला खोल लीजिए, उसके बाद आप लोग फॉर्मूले को कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करते हैं, उसके बाद आप लोग को जाना है होम टैब पर, और होम टैब पर जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद न्यू रूल के बाद यूजर फॉर्मूला, और यूजर फॉर्मूला में जाने के बाद यहां पर कर दीजिए पेस्ट फॉर्मूले को, और फॉर्मेट में जाके सबसे पहले तो फॉन्ट के अंदर आप लोग यहां पर ले लीजिए रेड और बोल्ड कर दीजिए, उसके साथ साथ आपको फिल में ले लेना है येल्लो, तो आपने फिल में येलो कलर ले लिया है और साथ में फॉन्ट ले लिया है ये वाला, उसके बाद ओके प्रेस करिए, और ये देखिए आप लोग का बिल बहुत ही हाईलाइट हो चुका है। अब आप इस चीज को डिलीट कर दीजिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है चेक करते हैं। आपको बोला गया है टेबल टू के बारे में। टेबल टू में आप लोग को एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आप लोग को डिपार्टमेंट की एक यूनिक लिस्ट चाहिए होगी, तो चलिए एक बार डिपार्टमेंट की यूनिक लिस्ट देखें। तो आप लोग अभी चेक कर पा रहे हैं तो मेरे पास डिपार्टमेंट तो है लेकिन डिपार्टमेंट की एक यूनिक लिस्ट नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसे कॉपी करना होगा, और कॉपी करने के बाद कंट्रोल के साथ राइट एरो की आप प्रेस करिए, और यहां पर लास्ट में जाकर अपनी जो पूरी की पूरी कॉपी किया हुआ डेटा है वो सारा का सारा पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को करना है एक शॉर्टकट ऑल्ट ए। जैसे ही आप ऑल्ट ए एम करेंगे तो ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा डुप्लीकेट, और जैसे ही रिमूव करेगा डुप्लीकेट आप देखें आपके पास सिर्फ यूनिक वैल्यूज बची हुई हैं, और वो भी चार ही हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको कंट्रोल लेफ्ट एरो की करना है, और यहां पर आपको कहां लगाना है, जो लिस्ट है वो यहां लगानी है इस सेल में, तो आप यहां करिए ऑल्ट डी एल, और जैसे ही ऑल्ट डी एल करते हैं एनी वैल्यू की जगह आपको लेना है लिस्ट, लिस्ट के बाद सोर्स, सोर्स में आपको कंट्रोल राइट करना है, और ये पूरा का पूरा जो है एरिया है वो सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देना है। और अब आप देख सकते हैं यहां पर आपका डिपार्टमेंट आ चुका है, और यहां डिपार्टमेंट जो है आप लोगों को अभी मार्केटिंग ले लेना है, क्योंकि आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एम्प्लॉइज भी और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी भी फाइंड करनी है। तो चलिए मैं अब फाइंड कर लेता हूं। अगर टोटल एम्प्लॉइज फाइंड करने हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, तो यहां पर इस केस में आप लोग को फॉर्मूला यूज करना होगा, दैट इज काउंट इफ। तो आप लोग लगाइए यहां पर काउंट इफ,
और देखिए मैंने काउंटेप लगाया जिसमें मेरे को रेंज पूछा है, तो रेंज मैंने डिपार्टमेंट की ले ली है कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया मेरा इस सेल में मैंने लिया हुआ था जो कि J3 सेल था जिसमें मैंने अभी भी मार्केटिंग लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं मार्केटिंग का जो क्राइटेरिया है उस बेसिस पे मेरा जो आंसर आया है वो 7 एम्प्लॉइज आए। इसी तरह से अगर मुझे नेट सैलरी निकालनी है तो मुझे सम एफ करना पड़ेगा, और यहाँ पे सम एफ के लिए सबसे पहले रेंज की बात करते हैं, तो रेंज आपकी डिपार्टमेंट वाली ही होगी, उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया आपका मार्केटिंग होगा, उसके बाद कॉमा आपको नेट सैलरी निकालनी है तो नेट सैलरी का आपको रेंज लेना होगा, उसके बाद एंटर प्रेस करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपने कर लिया है। आप देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को एम्प्लॉय के कोड के बारे में बोला गया है, और एम्प्लॉय के कोड के बारे में ये बोला गया है कि आप लोगों को एम्प्लॉय का कोड कुछ इस प्रकार लिखना है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं, मेरा एम्प्लॉय जो अभी यहां पर दिखाई दे रहा है उसका जो कोड है अभी कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आपको इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप करिए Ctrl+1, उसके बाद आप कस्टम पे जाइए, और कस्टम पे जाने के बाद जनरल को हटा दीजिए, और जैसे ही आप जनरल को हटाएंगे उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, ये टाइप करना है। अब यहां पर ये टाइप तो करना है लेकिन बहुत सिंपल तरीके से नहीं, यहां पर थोड़ा सा अलग तरीके से टाइप करना है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो चीज आपको फिक्स करनी है उसे इन्वर्टेड कॉमा में रखिए। जैसे जो चीज आपकी चेंज हो, आप क्या चाहते हैं, जो चीज फिक्स रहे वो तो ठीक है, लेकिन जो चीज चेंज हो उसको आप 000 लिखेंगे। जैसे मैं अभी यहां पर 101 को बदलने की कोशिश करूंगा तो यहां पर मैं 30 लगा रहा हूं, उसके अलावा जो चीज मैं चाहता हूं कि फिक्स्ड हो उसे मैं इन्वर्टेड कॉमा में रख रहा हूं। आप देख सकते हैं मैंने 22-23 और स्लैश को रखा है इन्वर्टेड कॉमा में, इसी तरह से ITC स्लैश को मैंने रखा है इन्वर्टेड कॉमा में, और 101 की जगह पर मैंने 3 लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है, और आप देखिए आपका सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपको पाइवट चार्ट बनाना है, और बहुत ही सिंपल है, चलिए देख लेते हैं। पाइवट चार्ट जो बनाना है उसमें डेजिग्नेशन के बेसिस पर आपको सैलरी और नेट सैलरी दोनों दिखानी है। तो चलिए क्लिक करते हैं डेटा के ऊपर, और पाइवट चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट पे जाइए और यहां पर पाइवट चार्ट ले लीजिए, और जैसे ही आप पाइवट चार्ट लेंगे उसके बाद ये पूछेगा कहां बनाना है, तो मैं एग्जिस्टिंग शीट पर ही पाइवट चार्ट बनाऊंगा और यहां ले लेता हूं लोकेशन। उसके बाद आपको बोला गया है जो पाइवट चार्ट आपको बनाना है वो आपको डेजिग्नेशन के बेसिस पर ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी बतानी है। तो डेजिग्नेशन ये रहा, उसके बेसिस पर आपको ग्रॉस सैलरी भी दिखानी है और आपको नेट सैलरी भी दिखानी है। तो दोनों के दोनों आपने दिखा दिया। और दूसरी बात, आपको कहा गया है कि जो चार्ट टाइप है आपको बार लेना है, तो आप लोग यहां से सिंपली डिजाइन में जाएंगे, और डिजाइन में जाने के बाद आप लोग को जो चार्ट टाइप आपको यहां पर अभी दिखाई दे रहा है ये आपको बार ले लेना है। यहां से बार ले लिया, उसके बाद ओके प्रेस करिए, और ये लीजिए बार आ गया है। उसके बाद आप लोग को शो करना है चार्ट का जो डेटा लेबल्स है वो आउटसाइड द एंड, तो कोई दिक्कत नहीं है, एड चार्ट एलिमेंट पे जाएंगे जो कि डिजाइन टैब में मिलता है, उसके बाद आपको डेटा लेबल्स पर जाना है और यहां पर आउटसाइड द एंड ले लेना है, इसे बोलते हैं डेटा लेबल्स। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और यहीं पर आप लोगों को बोला गया है कि जितने भी बटन्स उस पर दिए गए हैं वो सारे के सारे हाइड कर दीजिए, और ये लीजिए मैंने यहां पर जो बटन दिए हैं वो हाइड कर दिया है, हाइड ऑल, और साथ ही इसका टाइटल ये रखना है, बहुत जरूरी है भाई। देखिए डेजिग्नेशन वाइज क्रॉस सैलरी और नेट सैलरी, ये आपको इसका टाइटल रखना है, तो टाइटल के लिए आप इधर ऐड करिए, और ये लीजिए चार्ट टाइटल आ चुका है। तो यहां पर आपको चार्ट टाइटल तो मिल गया है, लेकिन आपको यहां पे क्या लिखना है, दैट इज डेजिग्नेशन वाइज ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी, तो आप लोग को इस तरह से यहां पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली और कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से आपका चार्ट जो है पूरी तरह से हो चुका है। लेकिन चार्ट में एक और चीज बोली गई है, चार्ट के अंदर कहा गया है आपको स्लाइसर लगाना है और साथ में अकाउंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही डेटा दिखाना है, तो आप इसे कट करिए। उसके बाद चार्ट पर स्लाइसर लगाने के लिए पावर चार्ट एनालिसिस पे जाइए, जहां पर आपको इंसर्ट स्लाइसर दिखेगा, और आपको डिपार्टमेंट का स्लाइसर लगाना है जिसमें आपको बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से डिपार्टमेंट, अकाउंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो अकाउंट पर क्लिक करिए और मार्केट पर क्लिक करिए, दोनों पर क्लिक करने पर आपके दोनों के दोनों डिपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, इसको उठा के साइड कर दीजिए, और आपका ये भी कंप्लीट हो चुका है, और इसको भी उठाकर आप साइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने थोड़ा सा चार्ट को साइड में रख दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो डेटा को समझने में, तो आप देख लीजिएगा जब आप करने बैठें तो आप चेक करिएगा कि आप लोगों का चार्ट बिल्कुल मेरी तरह बना है या नहीं। तो ये हमारा चार्ट भी कंप्लीट हो गया, और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन इसी के ऊपर है, और बोला गया है कि आप लोगों को यहां पर पाइवट टेबल बनाना है, और पाइवट टेबल आपको नई शीट पर बनाना है। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप लोग को पाइवट टेबल बनाना है, तो यहां पर इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल का ऑप्शन मिलेगा, और जैसे ही आपको पाइवट टेबल का ऑप्शन मिल जाए आपको नई शीट पर बनाना है, ओके प्रेस कर दीजिए।
प्रेस करते ही आपको पाइवट टेबल कुछ इस तरह से बनाना है। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पर आप लोगों को दिख रहा है ये होती है रो लेबल्स, इनको कहते हैं आप कॉलम लेबल्स। तो ये जो है कॉलम है, अब कॉलम में आपको दिख रहा है कि ये डिपार्टमेंट्स रखे हुए हैं और रो के अंदर आप देख रहे हैं एम्प्लॉय का कोड रखा है और जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं वो है ग्रॉस सैलरी। तो सिंपल सी बात है, जो वैल्यू के अंदर रखा है वो है आपकी ग्रॉस सैलरी, तो यहां पर रख देंगे ग्रॉस सैलरी। कॉलम के अंदर आपके डिपार्टमेंट्स रखे हुए हैं और जो आप लोगों का एम्प्लॉय आईडी है वो रो में रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं मेरा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी ये मेरा चार्ट सही से अरेंज नहीं है क्योंकि इसमें मेरे नंबर जो है एम्प्लॉय के कोड आप देख रहे हैं 101 से लेकर 105 ये ग्रुप किए गए हैं। ये अभी देखिए मेरा 101, 103, 104 अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन ये ग्रुप कर रखे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली किसी भी एक नंबर पर राइट क्लिक प्रेस करना है और आप भी इसे ग्रुप कर सकते हैं और जो ग्रुप है उसमें डिफरेंस आप लोग को लेना है 5 का, यानी 5-5 के ग्रुप बना दीजिए, ओके प्रेस करिए और अब आप देखिए आप लोग का ग्रुप बन चुका है और ये आप लोग का प्रॉपर तरीके से हो चुका है। साथ ही आपको एक और काम करना है, यहां पर मेरा एम्प्लॉय कोड नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए एम्प्लॉय कोड जो है आप लोगों का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहां पर जाना है डिजाइन टैब में और यहां पर रिपोर्ट लेआउट के अंदर आपको शो इन टैबुलर फॉर्म करना है जिससे कि आपको एम्प्लॉय कोड और डिपार्टमेंट दिखाई देने लगेगा। साथ ही आपको ये भी बोला है कि यहां पर पाइवट चार्ट का जो स्टाइल है उसे डार्क ब्लू डार्क स्टाइल लेना है। तो चलिए यहां से आप लोग को पाइवट चार्ट स्टाइल मिल जाएगा डिजाइन टैब के अंदर और यहां पर डार्क में अगर आप देखें तो आपको ब्लू नाम का आप लोगों को दिखाई दे रहा है डार्क ब्लू पाइवट स्टाइल डार्क 2, ये आपको लेना है और ये हो गया आपका चार्ट पाइवट टेबल भी कंप्लीट। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फटाफट से रिजल्ट वाली शीट की और रिजल्ट वाली शीट पे भी काफी सिंपल है सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए आप लोगों को बोला है कि रिजल्ट निकालना है इफ द मंथली पेमेंट इज 6500 और अगर आपकी मंथली पेमेंट 6500 हुई तो आपकी कार की लोन वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, आप लोग को इस पर क्लिक करना है और ये जो क्वेश्चन होता है ये होता है गोल सीक का। तो गोल सीक आपको अप्लाई करना है, सिंपली डेटा टैब में जाइए और यहां पे व्हाट इफ एनालिसिस में जाइए, गोल सीक में जाइए और यहां पर सबसे पहले आपको बताना है कि जो टारगेट सेल है वो कौन सा है। यहां टारगेट सेल में आपको जो वैल्यू देनी है वो 6500 रुपए देनी है, तो आप लोग यहां दे दीजिए और जो चेंजिंग सेल है आपका रहेगा कार का लोन, उसके बाद आप ओके प्रेस करिए और देखिए आपका आंसर आ गया है बहुत ही सिंपल वे में, ओके। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है सम बट स्पेसिफिक सेल वैल्यू नहीं लेनी है, आप लोगों को रेंज इस्तेमाल करनी है। जी हां, मैंने यहां पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट खेला था और आप लोगों से बोला था कि आप लोगों को स्पेसिफिकली कोई सेल नहीं लेना है, आप लोगों को रेंज लेनी है। अगर इस प्रॉब्लम में आप भी फंस जाएं और आप लोगों को इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो आप लोगों को सिंपली यहां पर यूज करना है एग्रीगेट। जी हां, एग्रीगेट नाम का फॉर्मूला ऐसा काम बिल्कुल आसानी से कर सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। यहां पर अगर आप एग्रीगेट फॉर्मूला यूज करते हैं तो आप लोग को यहां पे लिखना है सम के लिए 9 और जैसे ही आप सम के लिए 9 लिखेंगे उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या करना चाहते हैं आप इग्नोर करना चाहते हैं एरर वैल्यूज को। तो यहां पर 9.6 लिखना है और 9.6 लिखते ही आप देखिए 6 पर क्या लिखा हुआ है, इग्नोर एरर वैल्यूज, उसके बाद आप कॉमा प्रेस करिए और उसके बाद आपको एरे में पूरी की पूरी रेंज ले लेनी है और अब आपको एंटर प्रेस करना है और ये लीजिए आपका आंसर आ गया है बिना उस एरर वैल्यू को कंसिडर किए, ओके। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें आप लोगों को एक समस्या मैंने दी थी और ये समस्या क्या है, ये समस्या है कि यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि हर एक नंबर के आगे एक सिंगल कोट लगा हुआ है। अब इस सिंगल कोट से एक प्रॉब्लम हो रही है कि ये नंबर जो है ये रीड नहीं कर पा रहा है, ये एक टेक्स्ट रीड कर रहा है। अब आपको करना क्या है, सिंपली इसे नंबर में कन्वर्ट करना है और फिर टोटल कर सकते हैं। अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, सिंपली आपको करना है इसको सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई 1 करेंगे आप देखिए ये जो चीज है वो नंबर में कन्वर्ट हो चुकी है और अब आप इसका टोटल सिंपल तरीके से कर सकते हैं ऑल्ट इक्वल के साथ, ये देखिए हो गया ना टोटल। तो आपको सिंपली ये करना है, आपको इसको छेड़ना नहीं था, आपको सिंपली मल्टीप्लाई 1 करना है और क्योंकि किसी भी टेक्स्ट को अगर आप मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं तो वो एक नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है अगर वो टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है वो भी गलती से, ओके। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉफिट निकालना था तो प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा वे यहां पर था कि अगर आपको नेगेटिव वैल्यूज को ही टोटल करना है तो आप बहुत ही सिंपल कर सकते हैं। यहां पर आप लगाइए सम इफ, जी हां सम इफ, वो कैसे, आप लोग यहां पर रेंज सेलेक्ट करिए और रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्राइटेरिया बोलेगा तो क्राइटेरिया में आप लिख दीजिए इनवर्टेड कॉमा लेस देन जीरो, जी हां लेस देन जीरो आप लिख दीजिए और जैसे ही आप लेस देन जीरो लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे आप देखिए आप लोगों का टोटल आ चुका है ना कमाल की चीज।
तो आपको कहाँ ज्यादा मेहनत करनी थी, आप लोग तो खाम खा दिमाग लगा रहे थे। तो ये देखिए ना, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग का पूरा क्वेश्चन हो चुका है, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, बस ये 3-4 क्वेश्चन ट्रिकी थे बस, बाकी तो आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस एक्सेल के डॉन वाले पेपर में काफी कुछ ऑथेंटिक मिला होगा। ये पेपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, गाइड ऑफ मैन।